जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। समस्या संविधान की प्रक्रिया सिर्फ फाइलों में संचालित, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों ने लगाया आरोप। पंचायत समिति सभागार में सोमवार को प्रधान डिंपल फौजदार की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा बैठक दौरान पंचायती राज जनप्रतिनिधियों ने निर्धारित समयावधि में समस्या समाधान नहीं होने पर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, आगामी बैठक से पहले बैठक में निर्धारित समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आगामी साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दे डाली। बाद में SDM राजेश गोयल ने विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारी व पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे पर पूरक बनने और आपसी सामंजस्य से ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान करने का निर्देश दिया। इसके बारे में 3 दिन कस्बा बदल रहा था, उसके बारे में आज जो संघर्ष समिति बनी है वो ज्ञापन लेकर के आए हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको लेकर थोड़ा सा संघर्ष समिति में रोष है और उनकी डिमांड है कि उसमें कुछ संशोधन किए जाए, अन्यथा बाजार वगैरह बंद किए जाएंगे। 2-3 मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इस बारे में आज ही SP साहब से और जिला कलेक्टर महोदय से मैं उनके ध्यान में लाऊंगा इस बात को और चर्चा करके उचित जो भी समाधान होगा इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे।